हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल. वेलकम टू द कपलेट ऑन व्हील्स. मैं हूँ सुवेंदु. आप सबको गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते. आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ. एंड इट इज़ ए नेशनल पार्क व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड इन 1974. गाइस, आई थिंक आज का ब्लॉग होने वाला है एकदम झका. सो गाइज, हम लोग अभी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आ गए हैं. अभी आपको जू और सफारी दोनों का इधर बाहर से ही टिकट मिलता है. मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो कोई सफारी देखने जाता है, जो कोई सफारी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो पहले सफारी ले लीजिए, फिर बाद में आप जू घूमिए. क्योंकि अप टू 4:30 सफारी इज़ अवेलेबल. सो उसमें AC, non-AC बोथ टाइप सफारी अवेलेबल है. गाइज, मैं non-AC सफारी में इसलिए बुक किया क्योंकि थोड़ा सा ओपन रहेगा एंड थोड़ा सा मेश जो रहता है वो थोड़ा सा ओपन रहता है, क्लियर विजिबल होता है, इसलिए मैं non-AC चूज किया. सो गाइज, मैं अभी अपना सफारी कंप्लीट करके मैं जू के तरफ आगे बढ़ा हूँ. सफारी में अच्छे बोलने वाला बात ये था कि मुझे तो टाइगर, लायन एंड बियर दिखे, बहुत अच्छे से दिखे, वाइट टाइगर भी दिखे. एंड जैसे आप लोग मेरा लास्ट क्लिप में देखे, बहुत अच्छा लगा. एंड सबसे अच्छा लगा कि मैं non-AC बस चूज़ किया था, जो कि टिकट इंक्लूडिंग जू इज़ 350 रुपीज़, जो कि वेरी कन्वीनियंट था. अगर आप
ज़्यादा मेंबर हो तो आप लोग जीप भी ले सकते हुज कॉस्ट इज़ नियर 4,500 to 5,000 रुपीज़। इधर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी मिलता है जू के तरफ, अगर आप चाहते हो तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के साथ भी जा सकते हो, बाई वॉक भी आप लोग कर सकते हो, आप एंजॉय भी कर सकते हो। सो डिपेंड अपन योर कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई ओल्ड पेरेंट्स है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप लोग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ही यूज़ करो, जिसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। सो अभी मैं जू के तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ये किस हिसाब से वाइल्ड डॉग आपको दिख रहा है? हेलो भाई साहब, वाइल्ड डॉग? नहीं, ये वाइल्ड डॉग नहीं है, वाइल्ड डॉग तो इधर सोए हुए हैं, अपना लंच खत्म करके पूरा सोए हुए हैं इधर। Use dustbin, keep the park clean, move on pathways. गाइज़, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में वीमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ध्यान दिया गया है। जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, वीमेन लोग ड्राइव कर रहे हैं, उन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बहुत अच्छा है। गाइज़, अगर आप लोग बन्नेरघट्टा पार्क आने वाले हो तो अगर आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो BMTC का, देन BMTC 80 नंबर बसेस है, वो चलता है। एंड बैठने से पहले आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा
बस आपको बन्नेरघट्टा का पूरा गेट तक लेके आता है एंड छोड़ता है। बहुत अच्छा सुविधा है लोकल ट्रांसपोर्टेशन का भी। अगर आप लोग अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ सकते हो तो आ सकते हो। इधर पार्किंग का भी मिलता है एंड पार्किंग प्राइस इज़ नॉट दैट मच। एंड इन 2002 सम पोर्शन ऑफ दिस बिकम एनिमल रिजर्व। सो इन लोगों का एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, खुद का हॉस्पिटल है एनिमल्स के लिए एंड डॉक्टर भी है। सबका हेल्थ ब्लड चेकअप हमेशा होता रहता है एंड उन लोगों को प्रॉपर फूडिंग भी गाइडेंस डॉक्टर के थ्रू दिया जाता है। सो गाइस बहुत अच्छा प्लेसेस। अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हैं कि आप लोगों के साथ कोई बच्चे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत यूज़ होता है। एंड गाइस मैं इतना बोलूँगा कि ये जगह प्लास्टिक फ्री जोन है, सो नेवर ब्रिंग एनी प्लास्टिक बोतल हियर बिकॉज एट द गेट दे विल चेक एवरीथिंग एंड दे विल रिमूव दैट प्लास्टिक एलिमेंट फ्रॉम योर बैग। सो गाइस नेवर ब्रिंग सच थिंग्स। एंड और एक बात बोलूँगा कि कभी भी टीज मत करो एनिमल को, नेवर टीज एनिमल एंड नेवर फीड एनीथिंग रॉन्ग टू द एनिमल गाइस, बिकॉज ये हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइस। सो नेवर फीड समथिंग रॉन्ग। गाइस इधर अभी तक भीड़ है, अप टू 5 PM आप लोग घूम सकते हो। एंड मेरा एक काम है, मुझे अभी वापस जाना है। मैं अभी अपना पार्किंग एरिया को आ गया हूँ। टाइमिंग अगर आप लोग देखोगे सफारी का अप टू 4:30 लास्ट, 5 बजे तक आप जू में घूम सकते हो। एंड अभी बज गया है 4, सो मुझे अभी निकलना है, मुझे थोड़ा काम है अंशों को पिक करना है। सो मैं आपको घर में मिलता हूँ गाइस। हे गाइस मैं अभी घर में हूँ, मैं अंशों को पिक करके खाना खा के वापस हम लोग अभी घर में आ गए हैं। इधर खाना खाया मतलब ये नहीं है कि बन्नेरघट्टे के साइड में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा गाइस, उधर बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे आप लोग मेरा वीडियो में क्लिप्स आए देखे रहेंगे, बहुत सारा दुकान है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, अंशु भी लेट हो रही थी, सो इसके लिए मैं जल्दी आ गया। एंड बन्नेरघट्टा का बात करेंगे गाइस, ऑसम प्लेस है, आप लोग फैमिली के साथ जा सकते हो, बच्चों के भी साथ जा सकते हो। एंड उधर बहुत सारे सुविधा है, अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, ब्लॉग स्टार्ट करने के चक्कर में मैं लेट हो गया था। एंड जितना भी कम टाइम मिला मैं उसमें पूरा कवर करने के लिए कोशिश किया। आप अगर मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कवर नहीं किया, अगर मुझे वो चीज़ अच्छा लगे तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर और एक ब्लॉग बनाना डेफिनेटली लाइक करूँगा। बट और एक बात बोलूँगा कि बेंगलोर में ऐसा कौन सा प्लेस है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं देन डेफिनेटली विल विजिट देयर एंड हम लोग आप लोगों के साथ सेम चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एंड आपके साथ शेयर भी करेंगे गाइस। जैसे हमारा हैशटैग है सिंपल लिविंग नॉर्मल थिंकिंग, सो गाइस आप सब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हमको प्यार करते रहो। कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।